नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित नेटौर की, जहां से हमारे संवाददाता ऋषभ जैन से मिली जानकारी के अनुसार नेटौर थाना क्षेत्र के गांव फुलसंदा में देर शाम एक गर्भवती महिला की प्रसव से पहले ही मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शव को क्लिनिक पर रखकर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गाँव जगन्नाथपुर निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी बेबी को प्रसव के लिए गांव फुसंदा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। शाम के समय महिला की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे आनन फानन में रेफर कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने महिला और उसके बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन नेटौर वापस आ गए और निजी अस्पताल के बाहर शव रख कर हंगामा किया। सूचना मिलने पर कोतवाल सत्येंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।